क्या बोल गए 15 अगस्त के अवसर पर, इनको याद भी नहीं होगा, लिख के दिया होगा। मैं बार बार कहता हूं कि बीमार है और उनको इलाज की जरूरत है। आप देखिए कि पूर्ण रूप से वो क्या क्या बोल रहे हैं। अलग को जी अपने पॉलिटिक्स के लिए दिल्ली गए होंगे, किसी भी गठबंधन के लोगों ने इनको भाव ही नहीं दिया और ये टाइम मांगते रह गए, इनको मिला ही नहीं। अब नीतीश कुमार जी की राजनीतिक हैसियत क्या रह गई है देश में, ये देश के गठबंधन के लोग जानते हैं। देखिए जिस तरह की स्थिति झलकती है, बिहार के मुख्यमंत्री क्या क्या बोल गए 15 अगस्त के अवसर पर, इनको याद भी नहीं होगा, लिख के दिया होगा। मैं बार बार कहता हूं कि बीमार है और उनको इलाज की जरूरत है। आप देखिए कि पूर्ण रूप से वो क्या क्या बोल रहे हैं। मतलब कोई भी संस्कृति नहीं है हमारे यहां कि हम 15 अगस्त या 26 जनवरी को कोई राजनीतिक बात करते हो। और किस तरह की बातें मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षक पढ़ाएंगे या बोरा बेचेंगे? अब नीतीश कुमार जी के नजर में बिहारी अब बोरा ही बेचेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षक हैं, उनको अब बोरा बेचने के लिए ये काम पे लगा रहे हैं। ये एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का निर्णय तुरंत सरकार को वापस लेना चाहिए। नहीं, ये गलतफहमी पहले नीतीश बाबू निकाल दीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी के कृपा से वो मुख्यमंत्री बने, सरदेव अटल जी और भाजपा के कृपा से मुख्यमंत्री बने, तो कृपा याद रखे, मेरा इतना ही आग्रह है। और भाजपा अटल जी के समय भी भाजपा के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, और आज भी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, नड्डा जी भाजपा के नेता हैं। इसलिए एकदम बेफिक्रिय भाजपा पूर्ण रूप से नीतीश मुक्त बिहार बनाने की संकल्प को आगे लेके बढ़े।